It's a day to be happy about the gifts of Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'am Allah alayna. Wa min ni'amihi alayna an waffaqana li an naqifa bayna yadayhi. अस्सलामु अलैकुम तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज वेस्ट की तरफ जो है, वेस्ट में और मिडिल ईस्ट में तो पहला दिन है ईद का, पाकिस्तान में जो है वो दूसरे दिन ईद होगी। इस ईद पे जो है वो एक चीज़ मैंने बड़ी नोटिस की और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि मैं देखता हूँ कि जब हम पाकिस्तान में ईद करते थे तो जब ईद की नमाज के बाद हम निकलते थे, ईद की नमाज पढ़ के उठते थे खुतबे के बाद, तो लोग बस आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं। अगर कोई किसी का भाई है या कोई रिश्तेदार है, मतलब से फैमिली मेम्बर्स आपस में, और फिर वो जल्दी से अपनी जनमाजें उठाकर फौरन से जो है वो घर भागने की करते हैं। अगर आप यही चीज़ वेस्ट की तरफ देखें, यहाँ यूके में और बाहर मुल्कों में जहाँ लोग अकेले रहते हैं, सिंगल रहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि लोग हर किसी से गले मिल रहे होते हैं, हर एक मुसलमान से गले मिल रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास आपस में लोग नहीं होते, एक दूसरे के रिश्तेदार आपस में नहीं हैं, लोग अकेले रह रहे हैं सालों सालों से। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए कि जब आप ईदगाह जाएं और नमाज़ पढ़ें तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप सब आपस में एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे को ग्रीट करें। सिर्फ यही नहीं कि रिश्तेदार और भाई बहन और इस तरीके से आप आपस में मिलें, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हम सबको बहुत ख्याल रखना चाहिए। बाकी एडवांस ईद मुबारक पाकिस्तान में सबको और यहाँ के मुसलमानों को भी, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।